यहाँ सब कुछ सहज होता है, हर चीज़ हर कोई एक ही दिशा में बढ़ रहा है और हम इस बेजोड़ ऊर्जा और स्थान में हैं। इस जगह अपनी साधना करना मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा, इसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। समस्या परिवार नहीं है, समस्या कारोबार नहीं है, समस्या समाज नहीं है, समस्या सितारे और ग्रह नहीं है। जब आपका शरीर और मन आपका सहयोग करने लगते हैं, तब अचानक सब कुछ शानदार लगने लगता है। जब मैं साधना पदा में आई थी तब मेरा वजन अभी से 13 किलो ज्यादा था और शारीरिक लचीलापन बहुत कम था। हम में से अधिकांश लोगों ने अपनी साधना पदा की शुरुआत बैठने के अनुभव के साथ की। पूरे शरीर में दर्द होता था, वाकई हर चीज दुखती थी। और अब हम 8 घंटे बैठते हैं और दर्द नहीं होता, ये एक बड़ा बदलाव है। साधना पदा की शुरुआत में मैं अपनी साधना ऑटोमेटिक तरीके से करती थी, जैसे 1, 2, 3 गिनना। मैं साधना को बिल्कुल भी महसूस नहीं करती थी। अब साधना मेरे लिए दिन का वो विशेष पल है जब मैं ऊर्जा से भर जाती हूँ। ये अपने अंदर विकसित होने के लिए एक खास व्यक्तिगत पल है और हर दिन मैं ये फिर से कर सकती हूँ। मैं हर चीज भागीदारी के साथ कर सकता हूँ या हर चीज से अलग भी हो सकता हूँ, फिर भी मैं उस क्षण में मौजूद होने का आनंद ले सकता हूँ और मैं बस आनंदित होता हूँ। पहले ऐसा नहीं था, मुझे आनंदित होने के लिए कुछ करना पड़ता था, मगर अब मैं बिना कुछ किए भी आनंदित हो सकता हूँ, जिससे बहुत से लोग चिढ़ते हैं कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। हम देखना चाहते हैं कि बड़े उद्योगों में काम करने वाले लोग, सरकारी काम करने वाले लोग, महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद लोग ये ब्रेक लें और अपने विकास, स्पष्टता और संतुलन पर ध्यान दें। अगर ये दो चीजें हो जाएं, तो निश्चित रूप से हमारे पास बेहतर इंसान और बेहतर दुनिया होगी। मैं लीगल डिपार्टमेंट में सहयोग कर रहा हूं और मैं बाहर भी यही कर रहा था। मैं इसलिए काम कर रहा था क्योंकि मैं जानता था कि मैं किसी के लिए, किसी व्यक्ति या शायद कंपनी के लिए काम करता हूँ, मगर ये बिल्कुल अलग है। मैं जानता हूँ कि मैं उस चीज़ के लिए काम कर रहा हूँ जो मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और मैं अपनी तरफ से सब कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे साधना पद ने कई अच्छे तरीकों से प्रभावित किया है जिनके बारे में मैं आपको बता सकती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप कॉर्पोरेट दुनिया में नेतृत्व की स्थिति में हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण कर रहे हैं और अपने भीतर व्यवस्थित है, लेकिन जब कोई चुनौती आपके सामने आती है तब आपको एहसास होता है कि आप वास्तव में उसका सामना नहीं कर सकते, तो आपको इस कार्यक्रम में आना चाहिए, क्योंकि तब आप समझेंगे कि वो क्या है जिसे आपको अपने अंदर रूपांतरित करने की जरूरत है। जब आप में जीवन में कुछ करने की गहरी इच्छा हो तो आपको इसी जीवन में उसे करना चाहिए। इस जीवन की इच्छा किसी दूसरे जीवन के लिए नहीं है, ये इच्छा इसी जीवन के लिए है। कृपया इसे अपने लिए एक सच्चाई बनाएं।